भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं राहुल यादव, आज जैसा कि देख रहे हो हमने ना एक ट्रिप शुरू कर दी। आज उत्तराखंड की साइड निकल रहे हैं मैं और जीतू। अपनी गाड़ी पूरी रेडी है ही, थोड़ा सा सामान वामान ना क्या है इसमें अभी यार ऐसे ही पड़ा हुआ है सारा सामान। अपनी केबलों का भंडार हो गया क्योंकि बहुत सारी केबल हो गई, कई लाइटों का भी चार्जर है, अपने फ़ोन का भी, आईफोन का भी चार्जर है, सैमसंग का भी चार्जर है, सबके अलग अलग सिस्टम हो गए हैं है ना। और अपना खाने पीने का भी लगभग लगभग हमने सारा सामान ले लिया, अपने मसाले वसाले। वैसे अभी इसको ना पूरा सेटअप को निकाल के ना फिर दोबारा अपना लगाते हैं सेटअप वही, इसीलिए अपने यहाँ आए थे, अंदर करते हैं इस गाड़ी को। भाई पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से उतर के चुके हैं हम और अपना सीधे ना मुरादनगर के पास उतरे हैं भाई। बिजनौर क्रॉस कर दिया है, जैसा कि ना रोड ना भाई मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत ही ज्यादा खराब है रोड की, तो आप ना हालत पूछे मत। जीतू रोड कैसी लगी तुझे यहाँ की? भाई बीच में तो बहुत गंदी रोड थी, लेकिन जिस रोड पे अब चल रहे हैं ये बढ़िया है। ये तो भाई बहुत जबरदस्त रोड है, बहुत ही है ना, देख रहे हो लाइट वाइट, लेकिन बीच में भाई एक तो जाम इतना ट्रकों का क्योंकि कट पे इतने बड़े बड़े ट्रक है, मुड़ पार नहीं रहे, सिंगल रोड है, तो भाई एक एक घंटे का जाम लग रहा है, आधे घंटे तो हम खड़े होके आए। बाकी उसके बाद बिजनौर निकलने के बाद देखो थोड़ा सुकून है ना। सीएनजी हमने डलवाई ली है अपनी, मैंने मेरठ से ही डलवा ली थी, तो लगभग अपने को पहुंचा देगी। और आगे जाके सीएनजी का एक पंप भी था कि वहां डलवा। भाई धुंध भी हो रही है देखो काफी बढ़िया, कैसा लग रहा है जी तू मौसम देख रहे हो? टेम्परेचर एक बार मैं दिखा देता हूँ, देख लो भाई 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर, धुंध भी हो रही है। तो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, रात को ना देखते हैं जुगाड़ पानी करके किस जगह हम रुकेंगे, किस जगह पे स्टे कर सकते हैं, सेफ हो, अच्छी हो है ना। और खाना तो देखो अभी भाई बाहर ही करेंगे, खाना क्यों बाहर ही करना पड़ेगा अभी तो? और क्या बाहर ही करेंगे अभी तो भाई, ज्यादा हो रहा है टाइम, ज्यादा हो रहा है तो इस वजह से बाहर ही खाना पड़ेगा। अब कल हम बनाएंगे, फिर खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, जैसे भी होता है। तो कल का प्लान है सुबह मॉर्निंग में उठते हैं भाई, लोकेशन अच्छी हुई तो दिखाऊंगा आपको क्या बेहतरीन व्यू है ना। हमारी इग्निस ना बढ़िया है भाई, चल रही है इतने सस्ते में, एक सिलेंडर 400 रुपए की सीएनजी डलवाई थी और लगभग हम पहुंच जाएंगे। और सीएनजी दिखा दूं आधी से ना भी ज्यादा ही, अभी 2 पॉइंट ही अभी कम हुए हैं इसमें है ना, तीसरा जब खत्म होने को आएगा तब इसमें 40% सीएनजी बचेगी। बिजनौर के बाद ना आपके मेरठ तक तो रोड भाई सिंगल है, खराब है, बनाया है ना? ये नया एक्सप्रेस वे है आपको पता ही है, मोदी जी करवा रहे हैं बढ़िया काम एकदम। तो भाई खाने के लिए रुके थे, देखो जंगल सा एरिया है पूरा, एक्सपेक्टेड नहीं था कि खाना ना बहुत अच्छा मिल जाए, लेकिन भाई एक ये अपना पंजाबी ढाबा है खैरा पंजाबी ढाबा, भाई बहुत बेहतरीन है ना। कभी आपको भाई जैसे मिले ना, देखो ये मैं दिखा देता हूँ है ना, खैरा पंजाबी ढाबा ये अपना यहाँ पे है ना, आप देख ही रहे हो, मतलब करी करी ना 25 किलोमीटर पहले ही है ये अपना कोटद्वार से, कोटद्वार वाले रास्ते पे। भाई खाना ऐसा बेहतरीन ना पूछो मत, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। बाकी प्राइस वाइज जैसे आप देखोगे तो थोड़ा सा हाई से लगेंगे, लेकिन ठीक है यार, नॉर्मल से ही, मतलब नॉर्मल प्राइस ही है, हाई से ही थोड़े से प्राइस है, लेकिन खाने ने जो टेस्ट दिया ना वो वर्थ है, इतना बेहतरीन टेस्ट। खाना वाना खा लिया, दूसरे ने इतना ज्यादा खा लिया है ना, वो देखो बाहर घूम रहा है अभी, चक्कर लगा रहा है, कह रहा भाई पहले चक्कर लगा लूं मैं है ना, उसके बाद चलूंगा। थोड़ा ज्यादा खा लिया क्योंकि हमने ना टेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा खा लिया था। तो भाई देख रहे हो ना ये लाइट सी जो आ रही है, जेसीबी है, तो देख लो अभी बिल्कुल ना अंधेरा पड़ा है ये पेट्रोल पंप है अपना। बाकी सवेरे एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। कोटद्वार से ना जस्ट ना 7 किलोमीटर पहले जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है उससे 7 किलोमीटर पहले हम रुक गए भाई कोटद्वार में एंट्री ली। एक तो हमने एक तो डिसीजन एक बहुत अच्छा हो गया, लास्ट जो खेरा पंजाब का भाई रेस्टोरेंट थे वो समझ लो सेकेंड लास्ट ही था, उसके बाद एक दो रेस्टोरेंट ही थे, उसके बाद कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला खेरा पंजाबी रेस्टोरेंट, ये लास्ट हमें बस जंगल से पहले ही मिला था वो है ना, उसके बाद जंगल तो, फिर जंगल भैन जो पूरा जंगल। और हमने ये भी सोचा था कि शायद आगे हम अब मतलब 7 बजे से 11 बजे तक हमने यही सोचते हुए थे, 7 बजे से सोच रहे हैं कि खाएंगे अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले, इस वजह से आगे खाएंगे आगे के चक्कर में
फिर लास्ट डिसीजन वहीं पे लिया हमने खेरा पंजाब पे, चलो यहाँ खा लेते हैं। फिर भी सोचा था कि चलो आगे खाएंगे, लेकिन आगे के चक्कर में अगर हम रह जाते तो हमें कुछ नहीं मिलता खाने को। वो डिसीजन बहुत सही रहा कि हमने वो वहाँ पर खा लिया, और खाना भी टेस्टी था, ऐसा नहीं है मतलब ऐसा ही खा लियो, खाना बढ़िया था। तो भाई यहाँ ना क्या है कि अभी हम ना एक ना पेट्रोल पंप है वहाँ रुक गए भाई। पिछली बार जिस रास्ते से आया था ना, जो आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो उसमें क्या है, मैंने एक जगह से ना गाड़ी उतार दी थी नदी में पार कराई है, तो भाई वो रास्ता 12 बजे देख के तो मेरी तो हालत खराब हो गई। तो तुझे कैसा लगा भाई? वो तो देखने का वो था काफी, अंदर नदी बिल्कुल सूखी पड़ी है, अगर थोड़ी मान सी लो चल रही है, थोड़ी सी चलती है, चल रही, मैंने थोड़ी मुझे चलती है, अंधेरे में दिख नहीं रहा दिख ना नहीं रही, थोड़ी चलती है, और नीचे अब। जाता ना तो तुझे पता चलता नीचे चल रही है। हाँ तो वहां पे मैंने देखा थोड़ी सूखी पड़ी, मुझे तो दिखा ऐसी, फर्स्ट टाइम आया हूँ अंदर, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन देख के मैं भी हिल गया। मैंने कहा यार ये कैसी जगह है, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो देख लेते हैं, लेकिन इसे पता था भाई कि मुझे पता था कि वो कैसे गाड़ी हाँ निकलती है अगर फंस गई ना, और भाई रात का पानी का क्या भरोसा है कब आ जाए, हाँ इतनी बड़ी नदी अभी तो चलो कम चल रहा है, फ्लो कम चल रहा है, क्या पता। मैं ना भाई तुरंत जल्दी की जल्दी बोली, मैंने कहा भाड़ में जाए सारी चीजें पहले यहाँ से निकल। भाई कोई भी नहीं था भाई, जब जल्दी आए फिर भाई ढूंढ रहे हैं तो उधर, फिर यार लेटने का प्लान सारा कैंसिल हो गया, कि हमने सोचा कि एक जान पहचान का था वहां पे जाके लेट जाएंगे। अब फिर भाई पेट्रोल पंप पे आए, यहाँ भी अंधेरा भाई, यहाँ भी समझ में ना आए। वो तो एक भाई निकल के आया, उससे बातचीत सी करी हमने थोड़ी सी, तो मन को ना एकदम शांति सी हो गई कि कि कोई तो बंदा है यहाँ पर, वरना हमें एक भी बंदा नहीं दिख रहा था एक किसी भी रोड तो हमने क्या भाई वॉशरूम पर। वॉशरूम भी है सब चीज़ है, हमने कहा भाई यहीं लेट जाते हैं, उससे कहा भाई थोड़ी अंदर लगा ले, उन्होंने कहा भाई अंदर लगा लो जेसीबी बगल में, तो भाई जेसीबी के जस्ट पीछे लगा रखी है अंदर पेट्रोल पंप में, आराम से भाई यहाँ सोते हैं, सवेरे देखेंगे, सवेरे मिलते हैं आप लोगों से। तो गुड मॉर्निंग भाइयों, है ना सुबह उठ चुके हैं, करीब 6:30 बज रहे हैं, एकदम ना सूर्य ना लाल सा नज़र आ रहा है इधर की साइड, और पेट्रोल पंप पे देख लो अभी खड़े हुए हैं एकदम, पेट्रोल पंप वैसे चालू हो गया है थोड़ा बहुत, ज़्यादा चालू नहीं, सामने यार लाइट जल रही थी ना तो इसलिए हमने गद्दियाँ लगा दी थी, बाकी एकदम बढ़िया नींद आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक आध बार अभी क्या है ना, हमारा नया नया बेड बना हुआ है तो है ना, नए नए बेड में थोड़ी सी सुर एक आध दो बार तो रात को नींद खोली, क्योंकि जब करवट बदलते हैं ना तो चर चर थोड़ा सा लकड़ी का तो है ही, तो चर चर की थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी उस वजह से, बाकी तो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं लगी। वैसे तो ओके है ना जी तू एकदम है? वैसे थोड़ा सा यार ये ना इस साइड को ढलान हो गई है, हाँ तो तो गाड़ी, हमें हाँ गाड़ी उस हिसाब से खड़ी करी करेंगे कि आगे से थोड़ी सी ऊंची उठी रहे, तो भाई उठते हैं फ्रेश व्रेश होते हैं और अपना काम करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से घूमने। हम ना भाई यहाँ से ना पीछे की तरफ जाएंगे, जो पिछली बार आपने देखा हो मेरी वीडियो में जंगल से में से हम निकले थे ना, वहां से निकल के ही चलेंगे, और जगह इतनी सुंदर है इतनी बढ़िया है कि आपको भी ना देख के अच्छा लगेगा, पूरी दिखाऊंगा सर। पिछली बार तो क्या हुआ, कैमरा गंदा रह गया था तो पूरी वीडियो ऐसी बनी थी, इस बार लेकिन हम कैमरा वैमरा सारी चीज साफ करते हुए निकल रहे हैं। भगवान ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार 6 किलोमीटर, कैसा लग रहा है जी? तू बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ का व्यू है। अच्छा ये बताए यहाँ पॉल्यूशन वॉल्यूशन की इतनी वैसी दिक्कत नहीं है? पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, है ना? दिल्ली में तो यार मतलब ऐसा लग रहा है एकदम सांस ले रहे हैं ना बाहर खड़े होके, एकदम नीट एंड क्लीन। दिल्ली में तो आंखें जलन मार रही थी, यहाँ तो पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई देखो रात को ना हम लोगों ने यहाँ से, एक्चुअली यार रात को कुछ नजर तो आ नहीं रहा था, ये देख लो पहाड़ वहाड़ सारी चीज नजर आ रहे हैं, रात को भाई कुछ नजर तो आ नहीं रहा था, तो हमने क्या यहीं से ना यू टर्न मार लिया था, कि हमने कहा यार क्यों रिस्क लें। तो मैं आपको दिखा दूं यार, रास्ता तो था जीतू, वो देखो रहा वो गाड़ियां निकल रही हैं, पूरा रास्ता बना हुआ है, लेकिन यार रात को मेरे को तो नहीं भाई, मेरे को तो लगा कि भाई कुछ भी नहीं, मैंने पता क्या देखा, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ से पड़े हैं ना ये मिट्टी के, ये चीज ये नजर आई यहीं से, तो हमने यू टर्न मारा था इसे ही देख के हम। हाँ चले, ये जो बाढ़ वाड़ आई थी ना देखो, डंपर वंपर कैसा हुआ पड़ा है देखो, वो देखो ये डंपर देखो पूरा एकदम पिचका हुआ पड़ा है देखो। तो भाई रेडी वेडी हो चुके हैं अपने ऑफिस के कपड़ों में, क्योंकि आपको पता ही है, वैसे आपको नहीं पता क्योंकि मेरी एक मीटिंग थी तो मैं इस वजह से कोटद्वार आया था, तो अपनी मीटिंग वीटिंग फिनिश करके अभी देखो जीतू भी रेडी हो रहा है,
है ना, अपनी मीटिंग मीटिंग फिनिश करके फिर अपना निकलते हैं भाई कोट द्वार की ओर। अभी क्या है देख लो, यहीं पे ना खड़े होके हमने अपना रेडी कर लिया। वैसे नया धोया तो लग ही रहा हूँ मैं, जीतू ने कह दिया नया धोया लग रहा हूँ, तो मैं नया धोया तो लग ही रहा हूँ। वैसे एकदम फ्रेश हो जाते हैं एकदम भाई, अपने ब्रश व्रश करके है ना हाथ मुँह धो लिए, परफ्यूम लगा लेंगे बाद में। परफ्यूम लगाए चलो बैग रख दिया, बाद में लगा लेंगे, तो दो मिनट का काम है। परफ्यूम भी लगा लेंगे अपने, थोड़ी अच्छी सी स्मेल आती रहनी चाहिए। तो भाई अपना काम वाम फिनिश हो गया है, काम वाम फिनिश करके अब हम लंच टाउन की तरफ जा रहे हैं। देखो रोड देखो कितनी बेहतरीन है भाई, है ना बढ़िया एकदम एकदम हरियाली चारों तरफ भाई। अब यहाँ पे बस ना खाना वाना ढूंढते हैं, खाना वाना ढूंढ के भाई अपना खाना वाना खा के चलते हैं, और कहीं नहाने धोने का हिसाब किताब मिला तो नहाते वाते भी हैं। तो भाई लेंस डाउन की तरफ हम आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया ना मौसम सा हो रहा है। आप जैसे कि देख रहे हो ना पीछे, ये देख रहे हो नदी सी है पूरी और बहुत अच्छा है। देखो मैं आपको बैक कैमरे से भी थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है पानी कम चल रहा है तो है ना थोड़ी सी हल्की गुल्की गंदगी वैसे है, मतलब जानवरों की गाय वाय की, बाकी वैसे नहीं है। बाकी पानी भी लगभग साफ ही है, एकदम ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है देखो। तो भाई रात का स्ट्रगल तो आपने देख ही लिया, कैसे हमने सोई साई करी है ना। अभी बहुत अच्छा है, देखो मैं आपको क्रैप्स दिखाता हूँ। क्रैप्स होते ही ना, ये क्रैप्स ही बोलते हैं सर। हाँ वही क्रैप्स, हाँ क्रैप्स दिखाता हूँ। देखो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, फ़ोटो लगा देता हूँ, यहाँ फ़ोटो में आप देख लेना, देखो कितने बढ़िया तरीके से। तो बहुत अच्छा व्यू है, ठीक है हमने कहा थोड़ा घूम लेते, शांति चाहिए होती है, तो शांति के लिए यहाँ आए हुए थे। अब थोड़ा सा निकल के ना यहाँ से अपना सेटअप वेटअप बनाएंगे और देखेंगे कहाँ भाई लेटा लूटी करते हैं। और आज भाई थोड़ा अपना खाना भी लेते हैं, खाना बनाते हैं कहीं चल के, और जल्दी से जल्दी ओए खाना बनाना है भाई, चल जल्दी। हाँ चलो चलो।